हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू गुलियानी क्लासेस आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट लेट्स स्टार्ट स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट देखिए कैपिटल मार्केट जो है उसको दो पार्ट्स में बांटा जा सकता है एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दूसरे सिक्योरिटी मार्केट अब ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं ये वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं बड़े बड़े जिनके पास बहुत सारा फाइनेंस होता है जैसे आई एफ सी आई आई डी बी आई आई सी आई सी आई यू टी आई एल आई सी एस आई डी बी आई सिडबी जिसे कहते हैं एस एफ सीज स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशंस और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास बहुत सारी मनी होती है इनके पास बहुत सारा पैसा जो है कलेक्ट होता है वो इस मनी को क्या करते हैं इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल मार्केट में तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं कैपिटल मार्केट में जो सेकेंड आते हैं सिक्योरिटी मार्केट उसमें क्या क्या आता है सिक्योरिटी मार्केट को अगेन दो पार्ट्स में बांट सकते हैं हम एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दूसरा कॉरपोरेट सिक्योरिटीज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वो सिक्योरिटीज होती हैं जिन्हें गवर्नमेंट इशू करती है उसमें पीछे जो है गवर्नमेंट का हाथ होता है तो इस इस सिक्योरिटीज़ में ना तो हमारा जो आ, प्रिंसिपल है उसके डूबने के चांस होते हैं उसके डिफॉल्ट होने के चांस होते हैं और उसके ऊपर जो रिटर्न है जो भी इंटरेस्ट है या अदर रिटर्न्स है उसके डूबने के भी चांस नहीं होते गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में क्या क्या आता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में आता है गवर्नमेंट लोन्स ट्रेजरी बिल्स पी एस यू बोंड्स जिसे पब्लिक सेक्टर यूनिट बॉन्ड्स कहते हैं एस एफ सीज बॉन्ड अर्थात स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन बॉन्ड्स एंड अदर्स इसके अलावा और सिक्योरिटीज़ भी हो सकती हैं ज़्यादातर जो सिक्योरिटीज़ हैं जैसे ट्रेजरी बिल्स एट्सट्रा हमने डिस्कस किया है मनी मार्केट के अंदर ये जो सिक्योरिटीज़ होती हैं इन्हें गवर्नमेंट इशू करती है गवर्नमेंट्स को बहुत सारी नीड्स होती हैं अपने जो एक्सपेंडिचर होते हैं उनको पूरा करने के लिए तो ये जो नीड्स होती हैं उनको वो पूरा करती है इन सिक्योरिटीज़ को इशू करके जहाँ तक सवाल है कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़ का इन्हें कॉरपोरेट बॉडी इशू करती है कॉर्पोरेट बॉडीज को भी लॉन्ग टर्म फाइनेंस की जरूरत होती है अब ये कॉरपोरेट बॉडी कहाँ से इशू करती है उसको हम आगे डिस्कस करते हैं इसके नीचे दो पार्ट्स आएंगे एक आएगा प्राइमरी मार्केट एक है सेकेंडरी मार्केट अब प्राइमरी मार्केट क्या है प्राइमरी मार्केट वो मार्केट है जहाँ पर सिक्योरिटीज़ फर्स्ट टाइम इशू की जाती है सिक्योरिटीज़ इशू करने वाले मीन्स इशूअर और सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करने वाले मीन्स इन्वेस्टर के बीच में कोई भी मीडिएटर नहीं होता मीन्स फर्स्ट टाइम जो है सिक्योरिटी जो है इशू की जाती है इश्यूअर्स द्वारा डायरेक्ट इन्वेस्टर्स को तो इसे प्राइमरी मार्केट कहते हैं जैसे आई इनिशियल पब्लिक ऑफर एफ फॉलोइंग पब्लिक ऑफर वो सब जो है प्राइमरी मार्केट में आएंगे दूसरी ओर सेकेंडरी मार्केट क्या होती है सेकेंडरी मार्केट में कोई भी इश्यूर्स डायरेक्ट सिक्योरिटी इशू नहीं करता इन्वेस्टर्स को यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग होल्डर्स हैं सिक्योरिटी के वही सिक्योरिटीज़ को बाय और सेल करते हैं जिसके पास सिक्योरिटी है उसे अगर कैश चाहिए उसे वो कन्वर्ट करना चाहता है कैश में तो वो इस सिक्योरिटीज़ को क्या है सेकेंडरी मार्केट में सेल करेगा और जो दूसरा इन्वेस्टर है जो उन सिक्योरिटीज़ को बाय करना चाहता है उसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है वो इस सिक्योरिटीज़ को बाय करेगा तो सेकेंडरी मार्केट जो है वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करने का काम करती है सेकेंडरी मार्केट का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि लिक्विडिटी प्रोवाइड की जाए जिसके लिए डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंजेस हैं दो फेमस स्टॉक एक्सचेंज आप सब जानते हैं एन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बी एस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तो प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में जो मेन डिफरेंस यही है कि प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्टर्स uh, को डायरेक्ट सिक्योरिटी इश्यू की जाती है लेकिन सेकेंडरी मार्केट में बायर और सेलर दोनों को मीडिएटर की हेल्प लेनी होती है दोनों बिना किसी ब्रोकर या सब ब्रोकर की हेल्प लिए बिना उस सिक्योरिटीज़ को बाय और सेल नहीं कर सकते और उन्हें ना केवल ब्रोकर और सब ब्रोकर की हेल्प लेनी होती है बल्कि उसके बदले में उन्हें चार्जेस भी बियर करने पड़ते हैं जो ब्रोकरेज होती है कमीशन्स होता है वो भी बियर करना पड़ता है तो कैपिटल मार्केट जो है मेन दो पार्ट्स में डिवाइड होती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और सिक्योरिटी मार्केट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आ जाते हैं और सिक्योरिटी मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी और कॉरपोरेट सिक्योरिटी आती है दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस सब्सक्रिप्शन बटन को दबा के जरूर सब्सक्राइब करिए उम्मीद करता हूँ आपने हमारा प्रीवियस वीडियो लेक्चर जरूर देखा होगा और आपने नहीं देखा है तो इसको क्लिक करके आप देख सकते हैं और आप हमारे प्ले लिंक को क्लिक करके अब तक के सारे वीडियो लेक्चर देख सकते हैं तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो लेक्चर के साथ बहुत जल्दी थैंक यू